यहाँ पर जो हमरा शाहीन बाग पर आप आए हैं, जो NRC और NCR के खिलाफ जो यहाँ पर खवातीन बैठे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? ये बहुत खुशी की बात है कि मुंबई थाने रीजन में जो पहला शाहीन बाग शुरू हुआ है वो मुमरा के लोगों ने शुरू किया है, मुमरा की औरतों ने उसे शुरू किया है, और उससे प्रेरणा और इंस्पिरेशन लेकर बम्बई में भी अभी बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी बम्बई में एक शाहीन बाग शुरू होगा। और हमारा मानना है, और ये कोई अभी छुपी बात नहीं है, मगर इस आंदोलन का नेतृत्व अभी औरतें कर रही है, खास करके मुस्लिम औरतें कर रही है। ये हमला क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी पे एकदम डायरेक्ट हमला है, इसलिए मुस्लिम समाज अभी बड़े पैमानों पे सड़क पर उतरा है। जामिया के हमले के बाद, उसके बाद वहाँ के माएँ और बहनें उतरी सड़कों पे। ये किसी ने सोचा नहीं था कि आज शाहीन बाग भारत में और दुनिया में एक सिंबल बन जाएगा रेजिस्टेंस का, और उसी से प्रेरणा लेकर आज इतने सारे शाहीन बाग बन रहे पूरे देश में, कि जैसे हमारे साथी ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद ने, कि 1,00,000 शाहीन बाग बनेंगे पूरे देश में। और यही वो शाहीन बाग है जो आज आंदोलन को समाप्त है। शाहीन बाग का परसों का जो संदेशा था दिल्ली का शाहीन बाग से, कि हम लोग कश्मीरी पंडितों से के साथ खड़े हैं, तो वो ये आंदोलन अभी लोगों को जोड़ रहा है। मोदी और अमित शाह समाज को बांट रहे, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे। CAA से उनको वही उम्मीद थी कि ये समाज बटेगा, मगर ये आंदोलन अमित शाह और मोदी को, शाह और शहनशाह को ये जवाब दे रहा है कि भारत एक खड़ा है, सभी समाज के लोग एक खड़े हैं, और भारत की मुस्लिम महिलाएं और सभी महिलाएं मिलकर इस आंदोलन को संभाल रही। विद्यार्थी आ रहे हैं, महिला आ रही है, और आज आम मुस्लिम औरतें, वो बुरके में हो, निकाब में हो, सलवार में हो, जीन्स टी शर्ट में हो, वो अपनी पहचान लेकर वो सड़कों पर आ रही है। और आज मुमरा के लोगों ने इतना बड़ा संदेशा दिया है, सिर्फ आपके इलाकों के नहीं, मगर ये संदेशा पूरे देश में गया, इसलिए सलाम है हमारी माँ और बहनों को मुमरा के। मेरा नाम जावेद आनंद है, मैं सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस तंजीम से जुड़ा हुआ हूँ, तीस्ता सतलवाट के साथ में, जो कि आसाम में पिछले 3 साल से यही NRC और सिटीजनशिप, नागरिकता, शहरियत के सवाल को लेके वहाँ पे बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ है। अब वही मसला जो है मोदी और शाह पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाना चाहते हैं, तो मैं उस तंजीम से जो है तो ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं रहता हूँ बम्बई में, मैं यहाँ आया हूँ इंस्पिरेशन लेने इन मुस्लिम बहनों से, ये नया तारीख गढ़ रही हैं इस शहर में, इस स्टेट महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में। दुनिया के सामने ये एक नई मिसाल कायम हो रही है, तो यहाँ पैगाम देने से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने, अपना हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। सर, जैसे कोर्ट ने कोर्ट ने 4 हफ्ते का जो टाइम लिया है जी, और लोगों को इस बारे में जो हर जगह आंदोलन चल रहे हैं जी, वो आंदोलन को रोकने के लिए कहा है, और चार हफ्ते बाद फैसला लेने का जो निर्णय लिया है कोर्ट ने जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेट बात है, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में कानून का प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, हमेशा जस्टिस डिलेड की बातें सुनते रहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हुआ वैसे ही है कि सरकार ने ये कहा कि हम 140 लोग जो है तो आए हमारे सामने पिटीशन लेके, उनको सबको जवाब देने के लिए हमें वक्त चाहिए, तो कुछ हद तक हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम स्टे मिल जाए, वो नहीं मिला, ये हम इससे थोड़ा जो है तो मायूस हुए हैं, मगर हौसला कोई नहीं हारा है। और एक बात तो तय है कि ये लड़ाई सिर्फ अदालत के अंदर नहीं, अदालत के बाहर, सड़कों पे, महलों में, गांवों में, शहरों में
लड़ी जा रही है, जानी चाहिए, इसके बगैर जो है तो हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये तय है जी। तो इससे पहले प्रोटेस्ट में और कौन कौन से शहरों का आपने अभी तक दौरा किया और कितनी जगहों पर जाके आए? मैं बताते खुद बम्बई में कई जगह पर जो है तो मीटिंग से ज़्यादा छोटे छोटे 40 के ग्रुप, 50 के ग्रुप, 100 के ग्रुप, जहाँ पे लोग तफसील से समझना चाहते हैं कि ये CAA क्या है, NPR क्या है, NRC क्या है, सरकार जो कह रही है उसमें कितना झूठ है, कितना सच है, आसाम में क्या हुआ, क्योंकि जो हमारे ऊपर होने के अंदेशा जो है जिससे सब लोग होशियार हो गए हैं, चौकन्ने हो गए हैं, आसाम में क्या हुआ था, तो ये सब समझने और देखने की बात है। तो वो हम ट्रेनिंग वर्कशॉप ज़्यादा करते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग के अलावा, पर बड़ी बड़ी मीटिंग की भी ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस तरह की जो है तो प्रोटेस्ट की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, और अदालत में लड़ने की भी ज़रूरत है। सर आज आप यहाँ पर आए हैं तो आप खवातीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम फिर से यही बात दोहराएंगे कि ये खवातीन मुमरा में और इस पूरे मुल्क में एक नई तारीख लिख रही हैं, और हौसला आपका जो है तो बरकरार रखें, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। आई वर्क इन जनरल कंपनी फॉर 5 ईयर्स। अभी ये लेकिन मदरसा चला रहे, बच्चों को पढ़ा भी रहे, दीन की भी दुनिया का भी बड़ा बिग मदरसा। देखिए दीन के अंदर भी आपको कितना मिले, हमारी वाइफ को मुझे बहुत अच्छी लगी है, हमारी बहुत अच्छी बातें हुई। मैं बोला ना मैडम ने बहुत अच्छी बात कुरान में सब चीज हमारे नहीं है, आने वाला ये कुरान में है। अच्छा हाँ, NPR आने वाला और फिर इंकलाब आने वाला, ये भी कुरान में, और इस तरह से इंकलाब आएगा ये भी सूरह इब्राहिम में आएगा, क्योंकि सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 12-13-14 पड़ी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था अल्लाह की शिकायत की, नबियों ने शिकायत की, तब ये शिकायत की कि ये लोग कहते हैं यहाँ से निकल जाओ, जैसे कि अभी हमें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। और दूसरी बात बताई, ये कहते अदरवाइज हमारा धर्म अपना लो जो हमें हिंदुओं पर बुला रहे हैं, ये बात आज के लिए है, इसके आगे की आयत भी सेम है। तो अल्लाह पर ने इस पर सोल्यूशन भी दिया कि अगर तुम हक बात के लिए लड़े रहोगे और तुम इंकलाब लाओगे और तुम घरों के बाहर निकलोगे और सही बात बोलने के लिए निकलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इनको हटा के तुम्हें जमीन दे दूँगा। मेरे पास रेफरेंस है, मेरे अल्लाह का मदद करने का वादा है, कोई इंसान नहीं जो सच्चा झूठा बोलने का, ये अल्लाह का वादा है, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा यहाँ JNU की लड़कियाँ बहुत थी जो JNU में पढ़ती है, उन्होंने बहुत अच्छी तकलीफ की, यहाँ के रहने वाले पढ़ रही है। यस आई से टेक्नोलॉजी अच्छी बच्ची इसकी भी है, JNU की लड़की बहुत अच्छी स्पीच है, शादिया बहुत अच्छी स्पीच है। ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर चल रहा है मुझे ये लगता है, या जैसे मुस्लिम बच्चियाँ पहली बार बाहर आए हैं, तादाद में बाहर आए हैं, मुस्लिम बच्चे बाहर आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं इनका क्या दवाइयाँ हमारे साथ बच्चे के साथ, और सोच तो 95 साल पुराने मुस्लिम का लगता है, मगर साथ साथ में ये जो इम्तियाज होने वाला है नेशनल पॉपुलेशन डेंसिटी बनाएंगे, इसके बिना भी फिर वो अपने ऑफिस में बैठ के तय करेंगे कौन सही है कौन नहीं है, उससे फिर कागजात डिमांड करेंगे, तो ये तकलीफ सिर्फ मुसलमान को नहीं होने वाली, ये तकलीफ मिसाल के तौर पर 42% इस ग्रुप की 135 करोड़ आबादी मिलती, इसमें 42% का मतलब वो 55-60 करोड़ क्या होगा, इतने लोग जिनको उनका जन्म घर में हुआ है अस्पताल में नहीं, यानी कि रोड पे डिलीवरी मैं खुद अस्पताल में पैदा नहीं हुआ, एक फोटो निकालना ना मेरा ग्रुप का था, मेरे पास आर्टिकल बनाने का, अभी मेरी बात छोड़ दीजिए और बंजारी के बाद छोड़ दीजिए, उनको भी आना चाहिए ऐसे।
कांग्रेस और गांधी का नाम बताया जा रहा था वो तो आरटीआई है ना, उसके वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, वो मेरे मेरे उनके 50 साल की दोस्त आए थे, उन्होंने 2000 अपना जो है तो वन सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने म्यूनिसपैलिटी में लिखा कि मेरा जन्म 7 जुलाई 1949 की है। उनको लिख के जवाब मिला है कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड वार्ड नंबर 2 का नहीं, नाम शैलेश गांधी है। 21 लाइन के जवाब में 2 जगह शैलेश एक जगह की स्पेलिंग एक है, दूसरी जगह की स्पेलिंग अलग है, दूसरी जगह पर उनका जेंडर ही बदल दिया है, एक जगह कुमारी होती है। इस तरह की गलतियाँ जो हो रही है आसाम में, जो 19 लाख लोग बाहर हो रहे हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, आदिवासी भी है, जो रजिस्ट्री बाहर इसी वजह से कहीं किस तरह के लाए हैं, मैं किसी के एक ही कसम है, कहीं ये लिखा दिया, कहीं वो उसमें जो के डबल ई एम लिखा दिया, आप दो अलग अलग लोग अहमद MAD MED सही ना, तो ये सर इतनी सी मिस्टेक हो भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने की, उसकी सजा जिंदगी भर की डिटेंशन। इसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने खुदकुशी कर ली, या तो खुदकुशी कर ली आसाम में, या इस टेंशन में आसपास में टेंशन में रहेंगे, हार्ट अटैक से कोई मर गया, कोई ये बीमारी मर गया, कोई मर गया। और 70% जो इसमें होते हैं जो बाहर है 19 लाख, 70% होते हैं, क्योंकि औरतों के पास रात को से हमारा अभी तक जो मिलता आया है शुक्रिया। ये जावेद आनंद साहब आए हैं आपके बीच में, ये अभी 2-3 महीने पूछता मैडम आ रही बहुत काम वाले को, ये 3 साल से लोग आसाम में और सब जगह काम कर रहे हैं, इनको बहुत कुछ मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है करके। तो ये मुंबई से आप लोगों से मिलने आए, क्या आप लोग की हिम्मत अफजाई करने पर आप लोगों को सलाम करेंगे, आपकी हिम्मत कम जज्बात कम सलाम करते हैं, आपकी हिम्मत अफजाई नहीं, आपकी हिम्मत लेने आए, अरे वालेकुम सलाम, आपकी हिम्मत कम सलाम करते हैं, प्लीज ये नंबर बदल दिया था, बड़ा काम कर छोटा बच्चा देखिए, बताइए बच्चा आपका, बच्चा देखो छोटा सा बच्चा है, कितने महीने का आपका बच्चा? 8 महीने। तो बच्चे कहाँ छोड़ते हैं? हाँ वो बिले बिले बच्चे थोड़ा उनको आने दीजिए ना, वो नहीं आ रहे ना, एक बड़ा जो बच्चा बताना चाहिए आप थोड़ा उनको आने दीजिए, किसको? अच्छा दिख रहे हैं जावेद साहब, नहीं दिख रहे ना, बड़े बच्चों का भी लिया है वो, अच्छा
क्या लोगे, ठीक लोगे, नहीं होगे, समझा।